बच चुका है, दिग्गज नेता का टिकट नहीं कट सका एनडीए की तरफ से भागलपुर में, क्या कहना चाहेंगे? किन का टिकट कटा? शाहनवाज जी का। शाहनवाज जी आए, क्या लगता है आपको? शाहनवाज जी पिछली बार चुनाव बुलो मंडल से हार चुके थे, इस बार कसम कस रहेगा? यहाँ की जनता, चूंकि एक मुखिया प्रत्याशी जो होते हैं उनके पास मिनिमम 5,000 तो वोटर होते हैं, जिसमें 50% आपको जिधर घूमेंगे उधर चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी पंचायत में जीत किसकी हो रही है? जीत राजद की होगी, बुलो मंडल की होगी, यही ना? बाकी पूरा लोकसभा, लोकसभा का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने पंचायत हम जानते हैं कि अभी चुनावी माहौल बिल्कुल सर पे खड़ा है, और माहौल तो क्या कहें, चुनाव चल चुका है, चुनाव की बिगुल बज चुकी है, सिर्फ यहाँ पे प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, इसके बावजूद भी हम जानना चाहेंगे कि लोगों का झुकाव किस तरफ है? लोगों का झुकाव यहाँ सिर्फ सब जानते हैं कि जो है भारत को एक अच्छा और ईमानदार प्रधानमंत्री मिला है, नरेंद्र मोदी जी। ज्यादातर लोग उन्हीं के पक्ष में, उनके कार्यों से लोग बहुत संतुष्ट हैं। राहुल गांधी को क्यों नहीं वरीयता दे पा रहे? राहुल गांधी को इसलिए नहीं बता दे रहे हैं कि वो बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके वक्तव्य में कोई ठोस शक्ति। कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी रही है, आजादी के समय से है, काफी पहले से है, देश को बहुत कुछ उसने दिया है, उसके बावजूद लोग राहुल से एनवाइड क्यों होता है? राहुल से एनवाइड इसीलिए है कि वो जो किसी भी बात को ठोस ढंग से लोगों के, जनता के बीच में नहीं बता पाते, वो जरूर बोलते हैं, जिससे कांग्रेस पर से लोग का विश्वास हो गया, कांग्रेस पार्टी पर से विश्वास हो गया है। अभी तो आप देख रहे हैं कि जो सेना का के पराक्रम पर भी सवाल जो उठाए गए, सबूत की बात की गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर यही थी, ये बहुत बहुत घिनौना बात है, क्योंकि देश राष्ट्र का मामला है, जो बॉर्डर पर सेना लड़ती है, देश को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोग वोट के लिए ये सब जो है कुछ से कुछ उलझ बात करते हैं, सिर्फ वोट के लिए कि मेरा वोट किसी तरह हो। आपको लगता है कि यहाँ से एनडीए प्रत्याशी जीत पाएंगे? एनडीए से अगर बढ़िया उम्मीदवार मिला, जैसे अगले बार जो उम्मीदवार दिया गया था, वो उम्मीदवार हमको लगता है इसी जगह पर चुनाव में आए थे, मैंने कई बार प्रयास किया, अभी तक आज तक क्षेत्र में नहीं आए, न मुलाकात हुई, न बार में, न किसी भी पद की गरीब में, और अगर दोबारा वैसे उम्मीदवार को दिया जाता है तो वोट नहीं देगा लोग किसी की मत। क्या नाम पता है? वीरेंद्र कुमार। क्या करते हैं आप? क्या लगता है 2019 का चुनाव? जिंदाबाद। आपको क्या लगता है बाबा? वही लगता है, केंद्र में तो वही आएंगे, राज्य में जो हो, यानी बिहार के जनता ने ये मन बना लिया है कि हमको केंद्र के लिए वोट करना है, नहीं? क्या करते हैं बाबा? यही पुरोहिती करते हैं, और क्या करेंगे, पुरोहित है, पंडित है। अच्छा तो बताइए कि 2019 का चुनाव में क्या होना है? अरे 14 से अभी तक जो सरकार जो चला रहे हैं जी, अभी हम लोग तो है एकदम ठीक ठाक से चल रहे हैं जी, ये भी सोच रहे हैं जो कि आगे भी भविष्य ठीक चले, और ये जो घुसखोरी का जमाना जो यहाँ चल रहा है इसको थोड़ा वो देखें कि कैसे कम हो रहा है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं किसान के लिए वो पर्याप्त है? वो तो कर दिए है, चिट्ठा पर तो कर दिए है, यहाँ पर्याप्त नहीं ठीक से हो रहा है, यानी यहाँ भ्रष्टाचार है, ठीक है। आपको शौचालय मिला? शौचालय मिला। क्या फायदा अभी आपको केंद्र सरकार से मिला? फायदा तो समाज में हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है? आपको व्यक्तिगत क्या मिला? व्यक्तिगत कोई फायदा अभी तक नहीं। उज्ज्वला पेंशन भी नहीं मिलता, सुनिए पेंशन भी नहीं मिलता है, क्या है कि आप तो पैसा घुसखोर बन के गए हैं वहाँ पर टेप करने के लिए, हमारा उम्र है 60 साल, लिख दिए है 42 साल, अब हम कैसे कभी पैसा मिलेगा, यही हो रहा है। बताए वीरेंद्र सर, सामने लोग बोल रहे हैं आपके,
ये तो बीएलओ का काम है ना, बीएलओ गलती करके बीएलओ का काम है। आप पंचायत प्रतिनिधि के पति, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं बीएलओ को, तो बीएलओ को सही काम बीएलओ गलती क्यों करते हैं? जो अपना वो घर बैठे कर लेता है, भौतिक सत्यापन नहीं करता है, पंचायत का जैसे बूथ बूथ का बीएलओ है, बीएलओ हो गया जैसे एक हो गया राजकुमार जो डॉक्टर से की करियो एक अमरिंदर कुमार झा है एक दिन बूथ पर नहीं दो मिनट में गप कर घर बैठ करके काम करता है, किसका क्या करना है वो अपने मन से भर देता है, किसका नाम देखिए उनका उम्र हो रहा है 62 वर्ष, उनका 40 वर्ष। बाबा कहिए क्या लगता है 2019 का चुनाव? 2000 का चुनाव तो बहुत सीरियस है, बहुत घमासान लड़ाई चलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार और घुसखोर और इधर वहाँ तो हम मोदी दे दिए कि इतना दे दिए, यहाँ का जो है स्टाफ वगैरह वही ने सब काम होने देता। मोदी जी ने अच्छा काम किया लेकिन यहाँ के लोग उसको रोकते हैं, लोग ने अफसर रोक करता है, ऑफिसर शाही बढ़ गई, समाज तो समाज के जगह पर अफसर शाही बढ़ गई। तो क्या करेंगे इस बार? यहाँ से लेके ब्लॉक से लेके वहाँ तक जाइए, क्या कहते हैं भागलपुर जितना अफसर है लोग क्या सब वहाँ, जब तक नहीं ऐसे होगा तब तक राशन कार्ड के आगे दे दिया है, घूर के नहीं आया है क्या? यही है इसका मोदी इस परिस्थिति में क्या करेंगे चुनाव में? चुनाव में करेंगे जिस समाज जिस तरह झुकेगी उस तरह से होगा व्यवस्था जो होगा। आप समाज के गार्जियन हैं, आप बुजुर्ग हैं। हाँ तो इसी से तो हम इतना बल आपको दे रहे हैं, यही यही कैपेसिटी है बिहार में, और कुछ नहीं, मोदी तो है ये। जीत किसकी होनी चाहिए? काम कर रहा है कौन काम कर रहा है? अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी हाँ तक फिर, लेकिन भ्रष्टाचार आप सर कर रहा है सब। मोदी जी क्या लगता है भैया? हम तो मोदी के समर्थक, भारी समर्थक में से भारी समर्थक हैं। आपको उतना राजनीतिक हमको नॉलेज नहीं है लेकिन मोदी जी हम बचा लगता है, राजनीति राजनीति निर्णय लेने की ताकत बढ़ी, मानते हैं इस बात? एकदम मानते। ये दूसरा टर्म आप वोट गिराएंगे, आपको आपके मन में क्या चल रहा है? हम लोगों के लिए तो बस स्टूडेंट वर्ग के जितने भी हैं उनके लिए तो मोदी जी बहुत बेटर है और आगे भी रहेंगे। मोदी काम कर सरकार किसकी होनी चाहिए? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी।